कपास उत्पादन में लगातार गिरावट का दौर जारी है। कपास की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखी जा रही है, क्योंकि 4 महीने की लगातार बारिश और कीटों के हमले के परिणाम स्वरूप फिलहाल तेलंगाना में कपास उत्पादन गिरने की उम्मीद है। जबकि कपास का उत्पादन कम होने की उम्मीद के साथ ही कपास की क्वालिटी भी इन्हीं कारणों से प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। कपास किसानों ने मौजूदा सीजन के दौरान 12,000 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की मांग की है। उनका कहना है कि उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई है, जबकि पैदावार में गिरावट आई है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले 2022-23 सीजन में भारत में 34.4 मिलियन गांठ का कपास का उत्पादन होने की संभावना है, जो किसानों द्वारा फसल क्षेत्र का विस्तार करने के बाद 1 साल पहले की तुलना में 12% अधिक है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त मौसम के लिए भारत कपास का उत्पादन घटकर 307.5 लाख गांठ रह गया। वहीं आपको बता दें कि 2007-08 के बाद ये सबसे कम है, जब उत्पादन 307 लाख गांठ हुआ था। वहीं USGA की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन, पाकिस्तान, मैक्सिको, टर्की और वियतनाम द्वारा आयात में गिरावट के साथ सितंबर में विश्व व्यापार लगभग 1 मिलियन गांठ कम होने का अनुमान है। उधर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, कोटे डिआइवर, ग्रीस और मेक्सिको के निर्यात अनुमानों में भी कटौती की गई है, और अमेरिकी निर्यात पूर्वानुमान को 1 लाख गांठों से घटाकर 12.5 मिलियन गांठ कर दिया गया है। USGA की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस महीने 2022-23 विश्व बैलेंस शीट में खपत फिलहाल 3 मिलियन गांठ कम है और अंतिम स्टॉक 3.1 मिलियन गांठ अधिक है। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर कॉटन की कीमतों में फिलहाल तेजी बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।